हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम है शिफाली कुमारी। मेरे चैनल का नाम है शिफाली सुपर वीडियो। यहाँ मैं शेयर करती हूँ अपने लाइफ स्टाइल थ्रू द व्लॉग। अगर आपको मेरा ये व्लॉग लाइफ स्टाइल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज है फ्राइडे और सुबह सुबह सब कुछ मैं कर रही हूँ। यहाँ पर अपना जो भी कपड़ा मैं कल रात में फैलाई थी वो सूख गया था और धूप भी बहुत ज़्यादा कड़ा होने की वजह से ना सब कपड़ा का जो कलर होता है वो निकल जाता है। तो सुबह का जो हल्का हल्का धूप होता है ना वही मैं बस लग जाता है तो बट उठा लेती हूँ कपड़े को। और यहाँ जो किचन क्लीनिंग हुआ था उन सब का जो डब्बा वगैरह है वो सब उठा रही हूँ और फटाफट से सबको रख के ना, क्योंकि आज मुझे निकलना भी है और पैकिंग भी करना है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट हूँ आज। और सारा कुछ करने के बाद मतलब पैकिंग करना होगा, फिर कल सुबह कितने बजे निकलना है उसका प्रिपरेशन करना होगा। तो देखते हैं, अभी तो कुछ डिसाइड ऐसे हुआ नहीं कितने बजे निकलना है। और हम लोग का ट्रिप ज़्यादा दिन का नहीं है, 6 से 7 दिन का है और बस होली ख़त्म करके ही वापस आना है वहाँ से। तो यहाँ पे सारे डब्बे में जो भी मेरा किचन का सामान था वो वापस डालूंगी और सब कुछ जगह पे लगा दूंगी, क्योंकि मतलब जाने से पहले पूरा घर अरेंज रहे तो ही अच्छा लगता है। और मेरी हेल्पर अभी नहीं आई है तो उसके आने से पहले मैं ये सारा काम कर लूँगी ताकि वो किचन में अपना काम कर सके। और बस बहुत जाने में जो कहीं अगर आपको जाना होता है ना तो बहुत प्रिपरेशन करना होता है, घर को अच्छे से सेट करके जाना होता है। तो सिर्फ ये मतलब जो भी करना है सो मुझे ही करना है। अनुप तो अभी आएंगे 4 बजे ड्यूटी से, उसके बाद आरू आएगी स्कूल से 3 बजे, तो हम लोग सारा कुछ प्रिपेयर करेंगे। सारा कपड़ा मैं अपना बाहर निकाल के रख दी, जो जो मुझे याद आ रहा है वो सबको रख रही हूँ। होता क्या है, ऐसे बेसिकली मैं भूलती बहुत हूँ तो कुछ चीज़ें रह ना जाए इसलिए मैं भूल मतलब वो सब पहले ही निकाल के रख देती हूँ नज़र के सामने। और ये सारे डब्बे जो जो खाली कर दिए थे मैंने, वो जो इसमें मेरा सामान था वो वापस डाल दूँगी। और किचन का जो ट्रॉली था जिसमें से आलू प्याज वो सबको सेट करके वापस जगह पर रख रही हूँ। और जितने भी मतलब जितने भी यूज़ के चीज़ें हैं सबको मैं वापस वहीं जगह पे रख रही हूँ, क्योंकि मैं आऊँगी तो एकदम सामने होना चाहिए सब सारा कुछ। तो बस किचन को थोड़ा सेट करना है। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा भागम भाग वाला बीता था। और ये एडिटिंग ना मैं सुबह के 5 बजे कर रही हूँ क्योंकि मैं 6 बजे निकल जाऊँगी। तो अब रात में नहीं करी थी क्योंकि रात में सोची थी मेहंदी लगाऊंगी, बट मेरा ना कल वैक्स करवाने चली गई, आईब्रो बनवाने चली गई, तो बहुत लेट हो गया। और सारा कुछ मार्केटिंग थोड़ा बहुत करना था जाने का वो करने लगी, तो वो मैं सूट नहीं करी क्योंकि रात में सडन हमारा प्रोग्राम बना कि हम लोग चलो शॉपिंग थोड़ा सा कर लेते हैं। तो सडन प्रोग्राम हम लोग 7:30 बजे निकले ही थे तो आएँ तो फटाफट से खाना बनाएँ, क्योंकि सब्ज़ी सुबह की थी और सिर्फ रोटी या भुजिया बनाना था, ज़्यादा कुछ मैं तो करी नहीं थी। तो उसी में बहुत लेट हो गया, तो मैं रात में ही वॉइस ओवर करना चाह रही थी बट हो नहीं पाया। तो सुबह के 5:30 में ये मेरा एडिटिंग हो रहा है। एडिटिंग तो रात में करी थी बट वॉइस ओवर अभी सुबह में कर रही हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ सब्ज़ी आलू बीन्स की, तो बस सिंपल सा चावल दाल आलू बीन्स की सब्ज़ी। तो इसका कोई रेसिपी मैं शेयर नहीं करी आपके साथ, तो वहाँ मैं बना लेती हूँ फटाफट से सब्ज़ी। उसके बाद जाऊँगी बैग निकालूंगी, बैग निकाल के सारा पैकिंग स्टार्ट करूँगी। थोड़ा बहुत मेकअप का सामान रखना होता है और छोटा छोटा मेरा चीज़ छूट जाए बट आलू का नहीं छूटना चाहिए, उसको सर्दी भी है तो उसके मेडिसिन वगैरह सब रखने होते हैं। और रास्ता में कभी कभी उसको ना ये स्टमक पेन हो स्टार्ट हो जाता है तो वो सारा मैं याद करके रखती हूँ। तो चलिए फटाफट से पहले सब्जी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ।
रही हूँ जाफ़र, जैसे आपको बताई थी कल के व्लॉग में कि मैं बचपन में आरू को जाफ़र देती थी, तो यहाँ भी मैं घिस के उसको दूंगी, थोड़ा आईब्रो पे दे दूंगी और थोड़ा सा खिला भी दूंगी। और मुझे लगता है ये अभी भी असर करेगा कि छोटे बच्चे को तो हम लोग बहुत, मैं आरू को बहुत ज़्यादा ये करी हूँ। जब आईब्रो के ऊपर देने से होता क्या, जो सुबह सुबह मतलब बच्चे को स्टार्टिंग में जो सर्दी का नाक से पानी स्टार्ट होता है ना, वो बिल्कुल सूख जाता है, बहुत रिलीफ मिलता है। ये घर का छोटा छोटा टिप्स आप लोग ज़रूर किया कीजिए, मैं तो करती थी क्योंकि आरू छोटी थी तो मैं ये सब करती थी, उससे बहुत रिलीफ मिलता था, थोड़ा सा मुंह में भी दिया जाता, बहुत लोग देते भी हैं, मैं भी करती हूँ ये चीज़। वो ये देखिए आरू करी बेटा, ये ऐसे रहेगा ना, ये क्या है, इतना मोटा हूं मैं, इतनी मोटी हो गई हूं जो ये लगा दी। नहीं वो वहां पे रेड हो जाता सर्दी में ना, आईब्रो के पास रेड रहता है, उसके ये लगाएंगे ना तो बहुत रिलीफ होगा, तुरंत ठीक नहीं होगा बट होगा, धीरे धीरे ठीक होगा। तो बस फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा मैं आरू के लिए रख रही हूँ, और हम लोग इस बार कार से नहीं जा रहे, हम लोग सब बस से जा रहे हैं, क्यों अनूप सिर्फ हम लोग को पहुँचाने कल जाएंगे और वो तुरंत वापस लौट जाएंगे, फिर बाद में वो अपने खुद की गाड़ी से आएंगे, तो उस वक्त होली के समय बस वगैरह नहीं चलता तो बहुत दिक्कत होता है, तो खुद की गाड़ी से आना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग जा रहे हैं बस से, अनूप लौट के चले आएंगे, हम लोग को पहुँचाने चले जाएंगे और वापस चले आएंगे। तो शाम का था तो इवनिंग में स्नैक्स दे रही हूँ, थोड़ा बहुत फ्राई करके बादाम काजू और थोड़ा सा मखाना। तो इस व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ, आई होप आपको मेरा आगे का व्लॉग और ये व्लॉग अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगता है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ आगे की वीडियोस बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड हाँ मैं कहाँ जा रही हूँ, कितने दिन रहूँगी, ये सब तो मैं बता चुकी हूँ, मैं 7 से 8 दिन रहूँगी, मैं कहाँ जा रही हूँ ये आपको आगे व्लॉग के थ्रू पता चलेगा। तो ठीक है, कल मिलते हैं कुछ इस वीडियो से, टिल देन बाय बाय, टेक।